अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी रशिया वीज़ा के मतलब। आज 15 मार्च है, बुध का दिन है। कल खबर आई थी कि रशिया ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया, ओमानियों के लिए 6 महीने का विजिट वीज़ा, वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं। 6 महीने का वीज़ा होगा, उसकी मखसूस रिक्वायरमेंट है वही होटल रिजर्वेशन, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, उसके बाद वो क्या कहते हैं जो फॉर्म फिल करना है वो, उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी, ये वो जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है कहीं भी जाने के लिए। तो सिर्फ ओमानियों के लिए भैया, मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी जिक्र किया है, अभी भी आपसे जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ कि कभी भी इस तरह की खबर आती है ना, जॉब्स की आए, दूसरे मुल्कों ने वीज़े ओपन कर दिए हैं, तो वो मोस्टली जो है लोकल्स के लिए होता है। और एक वर्ड आपने जहन में रखना है, सिटीज़न रेजिडेंट। सिटीज़न वो हैं जो उस मुल्क के नेशनल हैं, उस मुल्क के शहरी हैं। रेजिडेंट वो हैं जो दूसरे मुल्क से हैं लेकिन इधर रहते हैं, ठीक है जी। सिटीज़न लोकल को बोलते हैं, जो ओमानी हैं यहाँ के उनको सिटीज़न बोलेंगे, जो रेजिडेंट हैं वो दूसरे एक्सपैट्स हैं उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जहन में ये फ़र्क रख लें इस लफ्ज़ का। और दूसरा क्या है कि सिर्फ ओमानियों के लिए है, और रशियन एम्बेसी की तरफ से ये कन्फर्मेशन की गई है। इससे पहले यूक्रेन ने भी अलाउ कर दिया, यूक्रेन ने ऑन अराइवल किया था, ठीक है ना, ई वीज़ा ले सकते हैं या ऑन अराइवल, बल्कि वीज़ा फ्री एंट्री है ओमानियों के लिए। यूक्रेन की वीज़ा फ्री एंट्री है, और ये बहुत अरसे बाद इन्होंने ओपन किया। उसकी बहुत सारी वजूहत थी, खैर बीच में वॉर आ गया, वो सिलसिला भी बंद हो गया है, तो ठीक है ना। यूक्रेन जो है ना वो भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन जिनको पता है उन्हीं के लिए। ज़्यादातर लोग जो है ना यूक्रेन को लाइट लेते हैं, तो यूक्रेन भैया लाइट नहीं है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की जगह है। बहरहाल जहाँ पर जंग शंग हो, ये फितने फसाद हो जाएँ, तो वो जगह जो है ना वो तबाह हो जाती है। अब हमारे मुल्क में देख लें, अल्लाह ताला खैर फरमाए। मुझे नहीं पता आप किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, और वो ये है कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सालमियत और अमन जो है वो जैसे भी मुमकिन हो वो होना चाहिए। खैर अमन से याद आया, सुकून तो इधर भी नहीं है। हमें बोला जाता है वीडियो पा दे, वीडियो ना पा दो कहते हैं देख लेंगे, आना ही है ना एक दिन देख लेंगे, या फिर क्या है कि टोटली कट ऑफ। इधर भी बहुत कुछ है, किसी दिन जो है ना इसके ऊपर सीरियस गुफ्तगू भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।